नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे स्वाति एपी किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं नए तरीके से भरवा भिंडी, बहुत ही टेस्टी। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं भरवा भिंडी बनाना। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली थी। इसको मैंने अच्छे से पानी से धो के इसका पूरा पानी मैंने सुखा लिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधी कटोरी बेसन ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया था, एक चम्मच में लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, एक हरी मिर्च ली थी मैंने उसको कट कर लिया है। और ये मैंने लहसुन लिया था, इसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था, उसको कट कर लिया है। और ये एक बड़ा टमाटर था, उसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे हींग पाउडर ले रही हूँ, और आधा चम्मच में गरम मसाला ले रही हूँ। और ये आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, और आधे से थोड़ा कम मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। तो चलते हैं, हम बनाते हैं आज भरुआ बहुत ही टेस्टी भिंडी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, एक छोटा चम्मच के करीब है। इसको अच्छे से हम गर्म करेंगे, और फिर इसके अंदर हमें सारे मसाले को फ्राई करना है। देखिए, तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसको तेल हमारा गर्म हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसमें पहले बेसन डाल देती हूँ। बेसन को सेकेंगे हमें अच्छे से, और हमें कम आँच पे सेकना है इसको, बेसन को जलाना नहीं है हमें। हल्के आँच पे इसको अच्छे से सेक लेंगे, मिक्स करके अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेसन अच्छे से सिक चुका है, हमें इसे ज़्यादा देर नहीं सेकना है। अब यहाँ पे मैं ये हल्दी मिर्ची ले रही हूँ, दोनों डाल देते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और ये काली मिर्च पाउडर लिया है, उसको भी डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने ये हींग गरम मसाला लिया था, उसको डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको और हल्की आँच पे इसको सेकना है। ज़्यादा देर नहीं सेकना है इसको, बस केवल 5 से 10 सेकंड के लिए इसको सेक लेंगे, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे मसाले में। देखिए, ये मसाला हमारा सिक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ये हरी मिर्च कट किया है मैंने, वो डाल देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया था, वो डाल देती हूँ। देखिए, हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं टमाटर कट किया था मैंने, वो डाल देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने ये लहसुन कद्दूकस करके ले लिया है, वो डाल देते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 15 से 20 सेकंड के लिए हम अच्छे से और सेकेंगे, ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से सिक जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सारे मसाले को अच्छे से सेक लिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें बेसन थोड़ा सा और डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आपको कम लग रहा हो तो आप डाल सकते हो। और इसमें यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैं थोड़ा सा बेसन और डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लास्ट में ये नमक। अब हमें इसको अच्छे से और पका लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ, उसको ठंडा होने देती हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और मसाले को हम थोड़ा ठंडा होने दें। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला ठंडा होता है, जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने भिंडी को ऐसे चीरा लगा लेंगे बीच में से। इसी तरीके से हमें चीरा लगा लेना है भिंडी में। मैंने सारी भिंडियों में इसे कट कर लिया है, और हम मसाला ठंडा हो चुका है। हम मसाले को इसी प्रकार से इसमें लेके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम भर देंगे अच्छे से मसाले को। जितना हमारी भिंडी के अंदर आएगा मसाला, उतना हम इसमें भर देंगे अच्छे से। यहाँ पे मैं और भिंडी ले लेती हूँ। जितना हमारी भिंडी के अंदर आएगा, उतना मसाला हम इसमें भर देंगे। इसी प्रकार से हम सारी भिंडियों को तैयार कर लेते हैं भर के। देखिए दोस्तों, मैंने सारी भिंडियों को अच्छे से तैयार कर लिया है, मसाला मैंने इनमें भर लिया है पूरा। अब चलते हैं, हम इसको फ्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है अच्छे से। तेल अच्छे से गरम हो गया है हमारा। यहाँ पे मैं अजवाइन ले रही हूँ आधा चम्मच। तो इसमें मैं तड़का लगा लेती हूँ अजवाइन का।
इसको अच्छे से चटकने देंगे अजवाइन को। ये देखिए अजवाइन अच्छे से चटक गई है। अब मैं सारी भिंडियाँ इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। हमें कम आँच पे पकाना है और भिंडियों को हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना इसका मसाला निकल जाएगा। देखिए हमें इसको ढक के पका लेना है 2 मिनट तक। बीच में हम इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद हम फिर इसको वापस फिर से पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक कर लेती हूँ भिंडी को। मैंने इसको एक बार बीच में और चेक कर लिया था, इसको बीच में हमें हिला लेना है एक बार ताकि भिंडियों का मसाला ना जले। देखिए हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है, इसको थोड़ी देर और लगेगी पकने में, करीब आधा मिनट हमें और पकाना है इसको ढक के अच्छे से। देखिए दोस्तों मैंने इसको आधा मिनट और पका लिया है और ये हमारी भिंडी तैयार है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।